स्वामी जी के सिर चौड़े में प्रणाम है। ये मेरा बच्चा है विज्ञान गुप्ता, मैं यूपी गोंडा से है जी। इसको आर्थराइटिस हो गया था 8 महीने पहले, अंग्रेजी दवाई खा खा के लखनऊ से परेशान हो गए, ठीक नहीं हुआ। फिर हमारी मुलाकात आपके योग ग्राम में उत्पल शुक्ला जी हैं जो हमारे गोंडा जिले से बिलीव करते हैं जी जी, उनसे हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है हम इसको ठीक करेंगे। लखनऊ के डॉक्टर ने 8,000 की इंजेक्शन लिखा था, हर 15 दिन पर एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था। फिर सर मेरी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं 8,000 के इंजेक्शन लगवा सकूं, और 15 दिन पे एक। हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब कितना लगेगा, कहीं इसको हम बता नहीं सकते हैं। लगाते सर, मुलाकात उत्पल शुक्ला जी से हुई, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पहले तुम मैं एक दवाई लिख के भेजता हूँ यहाँ से, और उसको खिलाओ, कुछ अनुलोम विलोम कराओ, कपाल भाती कराओ, ठीक। इसका हाथ गुरुजी ऐसे टेढ़ा हो गया था, अंगुलियां टेढ़ी हो गई थी और पैर टेढ़ा हो गया था। 20 दिन के इलाज में जो दवा लिख के यहाँ से दिया, दवा वहाँ क्या क्या दवा खाया था बता दो, दवा पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीट, हाँ पीडानिल गोल्ड, हाँ। ये हाथ सीधा हो गया 20 दिन के इलाज, हिला हिला के दिखा रहा है बालक, अब पैर भी ठीक हो गया, हाथ भी जो टेढ़ा था और पैर भी टेढ़ा था वो ठीक हो गया 20 दिन में पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीट से। तब से हम सच बोल रहे हो ना, तुम सच बोल रहे हो ना, पूरा रिपोर्ट है। कहाँ का इलाज चल रहा था, कौन हॉस्पिटल का कौन डॉक्टर था? लखनऊ से केजीएमसी के डॉक्टर हैं, उनका इलाज चल रहा था। केजीएमसी के डॉक्टर हैं, उनका इलाज चल रहा था, आर्थराइटिस था। अब कितना फायदा हो गया? बाकी ये पैर टेढ़ा हो गया है। उत्पल जी ने कहा पतली फेज 1 में दिखा दीजिए, मैंने वहाँ दिखाया और 3 महीने वहाँ इलाज किया, पैर भी सीधा हो गया। अब इधर चल के आओ बेटा, क्या नाम है इसका? अभिज्ञान गुप्ता। अभिज्ञान गुप्ता, अब छोटी मोटी इसको तकलीफ बची है, अब ये तो चलने लग गया ठीक से। चलो भाई एक बार जोरदार अभिज्ञान गुप्ता के लिए ताली बजा दो भाई।